गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंध की वैधता। यानी कि अवयस्क के साथ अगर कोई अनुबंध करते हैं तो कितने वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो माइनर के बारे में फिर से बात करेंगे कि माइनर किसे बोलते हैं। माइनर उसे बोलते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है। और ये हमारा एक एक्ट बना हुआ है बेटा, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट यानी भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के हिसाब से जिस व्यक्ति की आयु 18 साल नहीं है वो नाबालिग या अवयस्क कहलाएगा। लेकिन कुछ नाबालिग यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिसके संरक्षक गार्डियन नियुक्त किए गए होंगे, ये ध्यान में रखना। जैसे जब पेरेंट्स नहीं होते या पेरेंट्स इधर उधर होते हैं तो उस बच्चे के लिए गार्डियन होता है जो गार्ड की तरह काम करता है उसके लिए, ठीक है ना, जिसकी सुरक्षा के लिए होता है एक तरह से। मतलब वैसा वाली सुरक्षा नहीं जैसे पेरेंट्स अपनी भूमिका प्ले करते हैं, सिमिलरली अगर इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स गार्डियन जो होता है वो पेरेंट्स की भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए गार्डियन न्यायालय ने नियुक्त कर रखा है या अगर उस व्यक्ति उस मतलब अब बच्चा ही बोलूँगी मैं जो 18 साल से कम का है, अगर वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब यहाँ बच्चे से है। नॉर्मली आजकल आप पब्लिक स्कूलों में देखो ना तो वहाँ बच्चों को स्टूडेंट्स को वार्ड्स बोलते हैं। वार्ड मतलब बच्चा, यानी कि मतलब स्टूडेंट या बच्चा बोल सकते हैं आप उसको। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के निरीक्षण में अगर वो बच्चा है या वो व्यक्ति है, उसको नॉर्मली या व्यक्ति का नाम ले रखे हैं, ले लिया जा रहा है, तो उस समय ऐसे दोनों केसेस में जब किसी व्यक्ति के लिए या तो गार्डियन है या वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत आता है, उसके निरीक्षण में आता है, तो वहाँ पर वयस्कता की आयु 18 की बजाय और आगे किसका देते हैं 21 साल। तो ऐसा व्यक्ति 21 साल के बाद ही वयस्क माना जाएगा, ये ध्यान में रखना। ये तो हो गई उसकी एज की बात। अब अवयस्क व्यक्ति के लिए इतना हम मतलब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सब लोग, वो इसलिए हो रहे हैं, पहले भी बताया था कि अवयस्क व्यक्ति यानी जो 18 साल से कम उम्र का है या कुछ केसेस में जो 21 साल से कम उम्र का है उसके साथ हम इसलिए अनुबंध नहीं कर सकते या ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसलिए आ रही हैं हमारे आगे, क्योंकि ये माना जाता है कि अवयस्क व्यक्ति जो है वो मानसिक तौर पर उतना मैच्योर नहीं है, उतना समझदार नहीं है कि भाई वो अपना भला बुरा सही तौर पर समझ सके और उसकी इनोसेंस का कोई भी व्यक्ति सामने वाला फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए ही ये जो आयु है इस तरीके से जो सेट की गई है कि इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि 18 साल के बाद जो है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है और वो समझदार हो जाता है और फिर उसको जो है कोई भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। इसलिए अवयस्क होना कोई अपने आप में एक इनकैपेबिलिटी बेटा नहीं है, कोई अयोग्यता नहीं है, कोई हमारा कसूर नहीं है इसमें, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम अवयस्क हैं तो जो कानून है वो हमारी मदद ज़रूर करता है और वो इनडायरेक्टली मदद करता है कि भाई वो एक तरीके से इस तरीके के रूल्स बना दिए हैं कि अवयस्क के साथ जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं होगा और होगा तो व्यर्थ होगा, तो फिर उसकी इस इनोसेंस का कोई बेवजह फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो ये सीन है। अब बात आती है अगले टॉपिक की कि क्या क्या रूल्स हैं अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी या कोई या उसकी कोई लीगल पोजीशन क्या है, माइनर की स्थिति क्या है हमारे लॉ के हिसाब से, और माइनर के साथ अगर कोई अनुबंध हो भी गया तो उसके नियम क्या है। अभी तक तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई अनुबंध नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में माइनर के साथ भी एग्रीमेंट होते हैं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, वो वैलिड भी होते हैं। अब वो कौन कौन से केसेस हैं वो बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल है अवयस्क के साथ किए गए अनुबंध पूर्णतया व्यर्थ हैं। तो पहले में तो आपने यही बताना है कि भाई जो भी माइनर है अकॉर्डिंग टू लॉ किसी भी अवयस्क के साथ आप कोई भी अनुबंध करते हैं तो वो पूर्णतया व्यर्थ होता है, ठीक है, राइट, यानी कि वो वैलिड नहीं हो सकता। और अगर इस दौरान इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अवयस्क यानी कि माइनर ने कोई संपत्ति यानी कोई पैसा या कोई भी चीज़ अपने पास ले ली है तो आप उसे वो वापस भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उसकी कोई सामान या कोई वस्तु है ना वो आपको वापस ज़रूर करनी पड़ेगी। इस तरीके से देख लो हमारा न्यायालय, हमारा कोर्ट या हमारी जो कानून व्यवस्था है वो अवयस्क का साथ देती है। अब मैं आपको एक केस पे ले जाऊँगी, बड़ा फेमस केस हुआ था, दैट इज़ मोहरी बीबी बनाम धर्म कोश, धर्मदास कोश, बनाम का मतलब वर्सेस, यानी कि दो लोगों के बीच में केस था। मोहरी बीबी एक लेडी थी, धर्मदास कोश जो था वो एक
माइनर था। धर्मदास घोष ने मोहरी बीवी के हस्बैंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि धर्मदास घोष अपनी संपत्ति 20,000 रुपये में मोहरी बीवी के हस्बैंड के पास बंधक बनाएगा और उसके हस्बैंड का नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है, और उसके बदले में 8,000 रुपये वो पर्सन धर्मदास घोष को दे देगा। ऐसा ही हुआ, ठीक है। क्या किया धर्मदास घोष ने, मोहरी बीवी के हस्बैंड यानी ब्रह्मदत्त से 8,000 रुपये उधार लेकर अपनी 20,000 की प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रख दी। अब धर्मदास घोष ने बाद में देखा, मतलब चालाकी की है जैसे भी आप कह सकते हो, कि वो कोर्ट में चला गया कि देखो मैं तो माइनर हूँ और इसने मेरे साथ जो है मेरी संपत्ति ले रखी है और मेरे साथ इसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक तरफ एकदम से व्यर्थ है, और उसने जो उसको व्यर्थ करने के लिए अपना वाद प्रस्तुत किया, मतलब अपनी बात रखी। अब कोर्ट ने भी देखा, हाँ भाई तुम तो माइनर हो, ये क्या हुआ, तुम्हारे साथ तो कोई अनुबंध हो ही नहीं सकता, तो कोर्ट ने उस अनुबंध को व्यर्थ मान लिया। अब जो ब्रह्मदत्त था, जो उसका हस्बैंड था, उसने कहा भाई इसने अपने आप को व्यस्त बनाकर मेरे आगे पेश किया और तभी मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसके हिसाब से तो ये धोखेबाज है, इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन कोर्ट इस बात को नहीं मानती, वो कहती है बेशक से माइनर व्यक्ति अपने आप को मेजर बनाकर यानी व्यस्त बनाकर आपके आगे आए और आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, लेकिन कल को अगर ऐसा प्रूव हो जाता है यानी कि वो खुद जाकर अगर ये प्रूव कर दे कि भाई मैं तो माइनर हूँ और तो आप तो इसमें उसकी जीत है और आपकी हार होगी, तो इसलिए ये बहुत ही सोच समझ के काम करने चाहिए कि जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति माइनर ना हो, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या किया, धर्मदास घोष का साथ दिया, 20,000 की संपत्ति जो थी वो संपत्ति भी उसको दिलवा दी और जो 8,000 रुपये उसने ले रखे थे वो भी वापस नहीं होने दिए। कहने का मतलब ये था कि इसको तो डबल बेनिफिट हो गया, 8,000 रुपये भी मिल गए और 20,000 की संपत्ति मिल गई। अब वो बेचारा ब्रह्मदत्त वो तो मारा गया ना। अच्छा, अब क्या हुआ था कि इस दौरान जब कोर्ट केस चल रहा था ना, इन बिटवीन ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई, ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई बीच में ही, जब केस का अभी आया नहीं था रिजल्ट। तो इसकी वाइफ अब केस आगे बढ़ाई, उसने उसकी वाइफ ने अब केस को आगे बढ़ाया। अब मोहरी बीवी, इसीलिए तो इस केस का नाम मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मोहरी बीवी ने भी यही तर्क दिया, यही लॉजिक दिया कि भाई पैसा जो हमारा इसके पास गया वो तो वापस मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी मोहरी बीवी ने अपील भी करते रखी, कही कर किए रखी, और अव्यस्त उसने कोर्ट ने ये कहा कि भाई अव्यस्त के साथ आप कोई भी अनुबंध करते हो वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं का होता है कि एक पक्षकार के इच्छा पर वो वैलिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, यानी व्यर्थ भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है, मतलब वो वैलिड भी हो सकता है। लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो भैया शुरू से ही व्यर्थ है, आप इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करवा सकते, इसीलिए आपको 8,000 रुपये वापस पाने के लिए भी हम बाध्य नहीं कर सकते। मतलब हम अवेस्क अपनी मर्जी से 8,000 रुपये देते तो दे दे, अदरवाइज हम उसको देने के लिए बातें नहीं कर सकते। ये तो था केस। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि अवेस्क के साथ किए गए अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, इसलिए अगर अवेस्क ने इस दौरान कोई भी मूल्य या कोई संपत्ति ले ली है तो वो वापस पाने देने का उत्तरदायित्व उसका नहीं बनता।